अस्सलामुअलैकुम बेटा, आज हम उर्दू का 13वां दिन कर रहे हैं। 13वें दिन में आप लोगों को जो सवाल जवाब मैंने दो करवाए थे, पहला दूसरा, आज मैं आपको करवाऊंगी तीसरा और चौथा सवाल। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर, ये जो सबक हमने पढ़ा है, इससे आप अपने फॉलो करने के लिए यानी उस पर अमल करने के लिए कौन कौन से पहलू निकाल सकते हैं। देखें, अगर आप जमात कमरा जमात के अंदर हैं तो आप इनमें से कौन से गुफ्तगू के आदाब पर अमल कर सकते हैं। जैसे कि आप सब एक साथ बोलना शुरू नहीं करेंगे, अगर किसी को अपनी बात करनी होगी तो वो अपना हाथ को बुलंद करेगा। जब भी जवाब देंगे तो क्या करेंगे, अपनी आवाज़ जो है उसको दरमियाना रखेंगे, ना ही बहुत आहिस्ता और ना ही बहुत ज़्यादा चीख कर बात करेंगे। इसके अलावा जब आप कमरा जमात में होंगे तो आपने हमेशा सच्ची बात कहनी है, कोई उसमें झूठ शामिल नहीं होना चाहिए, ये भी गुफ्तगू के आदाब में है। इसके अलावा उस्तानी साहिबा से आराम से बात करेंगे और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, उसमें कोई ऐसा अल्फाज ना हो कि किसी की शिकायत आप कर रहे हो या फिर किसी को बुरा भला कह रहे हो। इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए आप अदब के साथ गुफ्तगू करेंगे कमरे जमात में, ठीक है, क्योंकि नरम वो इंसान लोगों के दिल को जो है वो जीत लेता है, जबकि सख्त लहजा जो है वो लोगों को आपसे दूर कर देता है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त मिजाज के होते, यानी कि बहुत रूड होते, सख्त होते, तो लोग उनके पास नहीं आते। जबकि मुसलमान, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि काफिर भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उनके बात करने के तरीके की तारीफ किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने भी उनको यही कहा कि अगर आप सख्त होते तो लोग आपके पास बिल्कुल भी नहीं आते। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें तो आपको क्या करना होगा, अपनी आवाज़ को और अपने लहजे को बहुत अच्छा बनाना होगा, ठीक है। चलें अब हम सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। हमारा जो दिन है आज वो है 13वां दिन, ठीक है, 13वां दिन है और हम सवाल नंबर कर रहे हैं जीम और सवाल नंबर दाल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स बना लेते हैं और यहाँ पे तारीख जरूरी थी। चले भाई, सबसे पहले हम सवाल उतारेंगे, पहले हेडिंग लिख लेते हैं हम सवाल और जवाब। यहाँ पे तारीख डाल लीजिएगा, घर का काम, सवाल नंबर 3 लिख रही हूँ मैं, सही है। लिखाई आपकी बहुत साफ होनी चाहिए, हर लफ्ज़ और हर हर्फ बिल्कुल प्रॉपर जिस तरह बनता है उसी तरीके से बनाना है। कोशिश करें कि किसी बड़े के साथ बैठ के काम करें ताकि वो आपकी गलतियां बता सके आपको, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हमारी क्या गलतियां हैं। गुफ्तगू के आदाब पर अमल करने से क्या फ़ायदा होता है, जवाब क्या होगा इसका, गुफ्तगू के आदाब पर अमल करने से क्या होता है फ़ायदा। पहले हम सवाल दोबारा पढ़ लेती हूँ, गुफ्तगू के आदाब पर अमल करने से क्या फ़ायदा होता है। गुफ्तगू के आदाब पर अमल करने से लोग हमारी बात अच्छी तरह समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम गुफ्तगू के आदाब पर अमल करते हैं तो क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी आवाज़ को भी दरमियाना रखते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार भी करते हैं, तो जो सुनने वाला होता है वो भी आपके ऊपर जो है तवज्जो करता है और आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनता है। चौथा सवाल है, बड़ों से बात करते हुए किस बात का ख्याल रखना चाहिए, किस बात का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि जैन ने जवाब दिया था कि बड़ों से बात करते हुए नरमी का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी आवाज में नरमी हो और अल्फाज जो हैं वो अच्छे हों। तो हम ये लिख लेते हैं, बड़ों से नरमी और दरमियानी आवाज में बात करनी चाहिए और इस बात का ख्याल
भी रखना चाहिए कि अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। ठीक है बेटा, ये काम आप कॉपी में कर लीजिएगा। यहाँ देखें, एक दफ़ा दोबारा देख लें। गुफ्तगू के आदाब पर अमल करने से क्या फ़ायदा होता है? गुफ्तगू के आदाब पर अमल करने से लोग हमारी बात अच्छी तरह समझ लेते हैं। बड़ों से बात करते हुए किस बात का ख्याल रखना चाहिए? बड़ों से नरमी और दरमियानी आवाज़ में बात करनी चाहिए और इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। और यहाँ पर भी घर का काम लिख लें और तारीख जो है वो ज़रूर डाल दीजिएगा, यहाँ हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जज़ाकअल्लाह।